बता रहा है कि इस एहसान फरामोशी के चप्पे चप्पे से वो परिचित है कि किस तरह से दगाबाजी, एहसान फरामोशी जो शब्द कह दीजिए, ये किस तरह से मजहबी करते हैं और किस हद तक गिरकर करते हैं। और यहाँ पर भाजपा अपने जन्म के समय से ही लगातार सिर्फ इस बात पे गाली खा रही है, ये हिंदुओं की पार्टी है, कि वो अब सारे कागज पत्र जो वक्फ से संबंधित है आंध्र प्रदेश के, वो सरकार के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि अब वहां पे कोई वक्फ बोर्ड नहीं रह गया। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद का सांसद है, वहां पर मनीष जी बताते हैं कि 3,000 करोड़ की संपत्ति वो कब्जा किए हुए है। बिल्कुल सर, इनका दोगलापन तो बिल्कुल सामने आ गया, लेकिन असली खबर हंटर तो चंद्रबाबू नायडू ने चला दिया है। चंद्रबाबू नायडू से ये आस लगाए बैठे थे कि नीतीश और नायडू मोदी को झटका देंगे, किसी न किसी मुद्दे पर यदि नहीं दे पाए तो वक्फ वाले मामले पर तुष्टीकरण का उनका जो है बीमारी जगेगा। और ये नीतीश से भी आस लगाए हुए थे और चंद्रबाबू नायडू से भी, दोनों को ये भ्रम रहा था पीछे कि मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है, दोनों का भ्रम टूटा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये खबर इन एकदम से कहते ना कि सिहरन पैदा इनके लिए कर गया है। लेकिन सबसे हम चंद्रबाबू नायडू से पहले आते हैं, आपको लल्लन सिंह की बात सुनाते हैं। ये भूल गए लल्लन सिंह या जेडीयू ने अभी ब्रिक्स अभी वक्त पे कुछ बोला नहीं है, लेकिन जरा देखिए ललन बाबू ने क्या कहा था। और ललन सिंह कौन है? नीतीश कुमार के सबसे बड़े सिपाह सालार रहे, सालों तक सबसे क्लोज। ललन सिंह ने क्या कहा था इस विधानसभा उपचुनाव के बाद? अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भाषण कर रहे बिहार में, अल्पसंख्यक समुदाय की क्या है स्थिति की? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है, 7वें वेतन आयोग ने जो अनुसंख्यक के ऑफिस का बैठा। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते नीतीश कुमार, वोट तो नहीं देते हैं। इस सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुराते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक के देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ही लोग इसको देते हैं, वोट उसको देते हैं जो एक एक छदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है, हम है सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं और काम करते रहे। देखिए ललन सिंह तो बोल गए, चंद्रबाबू नायडू बोल नहीं पाए हैं। ललन सिंह के पहले ललन सिंह पे ही बात कर ली जाए कि ललन सिंह का ये जो 1.5 मिनट का जो बयान है, जो बाकायदे मंच पे बोल रहे हैं, ये बहुत कुछ कह रहा है मनीष जी। जो हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रोना रो रहे थे, वो एहसान फरामोशी खुलकर बिहार में भी की गई, मजहबी एहसान फरामोशी, कट्टरपंथी एहसान फरामोशी। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जान नहीं रहे, ये सबसे खास बात है। ललन सिंह का जो बयान है वो बता रहा है कि इस एहसान फरामोशी के चप्पे चप्पे से वो परिचित है कि किस तरह से दगाबाजी, एहसान फरामोशी जो शब्द कह दीजिए, कि ये किस तरह से मजहबी करते हैं और किस हद तक गिरकर करते हैं। ये इसमें मनीष जी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भी एक संदेश छुपा हुआ है कि किस हद तक करते हैं। कि लालू यादव के समय में जो 3,000-4,000 रुपए मदरसा टीचरों को खैरात की तरह मिलती थी, भीख की तरह मिलती थी, आज उनको 7वें वेतन आयोग की तनख्वाह मिलती है, तो जमीन आसमान का फर्क है। और वो देने वाले नीतीश कुमार, लेकिन ये उनको वोट नहीं देते। ये ललन सिंह, जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि सबसे खास और एक तरह से नीतीश सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं, और वो आदमी खुलेआम कह रहा कि तुम लोग वोट नहीं देते हो, लेकिन क्योंकि हम सरकार हैं, सबका काम करना है तो तुम्हारा भी काम होता है, हम कोई भेदभाव नहीं करते। तो इससे ज्यादा एहसान फरामोशी को नंगा करके और उस पर जूता नहीं मारा जा सकता। लेकिन ये इधर वाले, मैंने कहा ना, ये जो बयान था और जो सच्चाई थी, बयान क्या था, तो सच्चाई थी जो ललन सिंह ने आके मंच पे कही, हम लोग लोकसभा में देख चुके हैं कि उनको जूते खाने के बाद भी उनको लालू ही पसंद है। क्यों पसंद है?
उनको उनको लालू ही पसंद है, क्योंकि वो उनकी कट्टरपंथी में हाँ में हाँ मिलाता है, उनकी वो जो उल्टा सीधा कहें सब में जय जयकार करता है। यहाँ तक कि उसका लौंडा अभी दो दिन पहले बता रहा था कि हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान खेलने चला जाना चाहिए। क्यों कह रहा था? उसका क्रिकेट टीम से क्या लेना देना, लेकिन क्योंकि वो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए वो इस हद तक चले जाते हैं। तो वो आज भी लालू के ही साथ खड़े हैं। और यहाँ पर भाजपा अपने जन्म के समय से ही लगातार सिर्फ इस बात पे गाली खा रही है कि ये हिंदुओं की पार्टी है, और वो भाजपा के सबसे बड़ा अछूत बनाने का सबसे ज्यादा कारण ये जितने सेकुलर लिबरल हैं, ये हमेशा कि ये हिंदूवाद की पार्टी है, हिंदू हिंदुओं की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। उसके बाद जरा गौर करिए मोदी जी, जितने विरोधी हैं और जो जो भाजपा को वोट देने वाले नहीं है, वो सारे के सारे हिंदू ही हैं। मुसलमान कभी आके नहीं कहता माइक पे कि हम नहीं करेंगे, वो तो बताता बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो काम अपना उस पर दिखाता है। लेकिन भाजपा के नाक में दम करने वाले, भाजपा का विरोध करने वाले और दुनिया भर की मीन मेख निकालने वाले वो हिंदू ही हैं, जो जो भाजपा सिर्फ हिंदुओं की पार्टी होने के नाते ही गाली खाती है इन इन लोगों की। तो ये एक तरह से संदेश है कि जो पार्टी आपकी है उसी के साथ रहिए, उसी बाकी तो अपनी मर्जी है। बिल्कुल, और इसलिए ये मैसेज नीतीश कुमार के ललन सिंह ने पहले ही दे दिया, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू मैदान में आ गए। इन सबको उम्मीद था कि नीतीश और नायडू मोदी को झटका देंगे वक्त पे, और चंद्रबाबू नायडू तो खुल करके हंटर चला दिया, मोदी से पहले ही फैसला ले लिया वक्त पे। इसने तो पूरे भारत द्रोहियों को बेचैन कर दिया। वहां मनीष जी जो वक्त बोर्ड था वहां पे आपस में जूतन दाल वहां बट रही थी कि कौन अध्यक्ष होगा, उस पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू ने फैसला लिया, वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया कि अब ये वक्फ बोर्ड यहाँ पे है ही नहीं आंध्र प्रदेश में। तो वो एक तरह से ये बड़ा प्रचंड प्रहार किया कि ये जो जूते में दाल तुम लोग बांट रहे हो, अब ये ना जूता रहेगा ना दाल रहेगी, तुम लोग किसी और जगह जाकर ये नाचो गाओ कूदो, और सारे रिकॉर्ड अब जो है वो राज्य सरकार के पास होंगे। और इसको जरा मनीष जी दूसरे एंगल से देखिए कि वो जो वक्फ संशोधन बिल वाला जो था उसको अभी बढ़ाया गया है उसका कार्यकाल, अब वो संभवतः मान के चलिए कि 7-8 महीने और आगे वो बढ़ा, क्योंकि उसको बजट सत्र के आखिरी दिन जब देने की बात है तो ये माना जा रहा है कि वो मानसून सत्र में आएगा यानी जुलाई उलाई में, तो 8-9 महीने वो बढ़ गया है वो बिल। लेकिन उसके पीछे इस तरह की कार्रवाई है अभी आपको अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेंगी, जहां भाजपा शासित है वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो अब सारे कागज पत्र जो वक्फ से संबंधित है आंध्र प्रदेश के वो सरकार के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि अब वहां पे कोई वक्फ बोर्ड नहीं रह गया। और ये अपने आप में इनके अंत की शुरुआत है। और ये जो बड़े खुश हो रहे हैं खैराती और दुनिया भर की कहानियां गढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कैसी कैसी कहानियां गढ़ रहे हैं, वैसे इन्होंने वक्फ बोर्ड को गढ़नी शुरू की है। तो ये इस बात को याद रखें कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसको हलाल तो होना ही है, और वो आज नहीं 9 महीने बाद होगी। और ये 9 महीने को मैं ज्यादा देर इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगी एक डकैती से जो लगातार पिछले 20-25 साल से बड़ी खुलकर डाली जा रही थी हिंदुओं की संपत्ति पे, हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं की जमीन पे। उस डकैती पर रोक लगाने का कानून अगर 9 महीने और उस पर विचार होता है तो बिल्कुल होना चाहिए और 100% होना चाहिए, क्योंकि जगदम्बिका पाल का भी मनीष जी बयान आया है कि अभी 6 राज्य बाकी है जहां पर मुझे दौरा करके वहां की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ठीक है 6 राज्य का और दौरा कर लें, लेकिन जो जो बिल आए वो बिल्कुल मजबूत बिल आए, और ये बिल्कुल आज जो चंद्रबाबू नायडू का है ये फैसला बिल्कुल सही है और उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन मनीष जी उसी के साथ एक खबर और है जो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रही है कि ये लोग इसका विरोध कर क्यों रहे हैं, ये वक्फ संशोधन बिल का। ये कांग्रेस ने जब 2-2, 3-3 बार संशोधन किया तब ये नहीं नाचे, और भाजपा पहली बार करने जा रही थी, नाच क्यों रहे हैं? तो उसका सबसे बढ़िया जो अभी सामने चल रहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद का सांसद है, वहां पर मनीष जी बताते हैं कि 3,000 करोड़ की संपत्ति वो कब्जा किए हुए है, वक्फ की संपत्ति जिसका किराया वो देता है 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, और वो उससे वो 3,000 करोड़ की संपत्ति से करोड़ों रुपए हर महीने कमा रहा है। तो ये और वो इस संशोधन जेपीसी में शामिल है, वो ये जरा क्या बताऊं मोदी सरकार ने क्यों उसको शामिल किया है कि वो उस कमेटी में शामिल है और वो इस संशोधन बिल के विरोध में
सबसे ज्यादा बोल रहा बकर बकर कर रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो 3,000 करोड़ की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। तो ये तो असदुद्दीन ओवैसी एक हैदराबाद का उदाहरण है। ये जितने नेता बोल रहे हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं वक्त संपत्ति पे अपना बंदरबांट ये किए हुए हैं और उसी लिए तिलमिला रहे हैं। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी का तो पूरा फैक्ट सामने आ गया। सोचिए कि सब किस कदर हल्ला करते हैं। दरअसल सरकार आम मुसलमानों के हित में है। ये वक्त के नाम पर जो डकैती ये पूरे शहाबुद्दीन से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक के लोगों का है, मुख्तार से लेकर के अतीक अहमद और अफजाल अंसारियों तक है, इन सबको दरअसल इन सब के अंदर सिहरन पैदा होनी है, बेचैनी, और इसीलिए इन सब ने इसे मुसलमानों का मुद्दा बना दिया है। और जरा गौर करिए मनीष जी कि मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से नहीं बल्कि 15 साल से, पहली बार तो कह रहे वैसे ही हो गया था, लेकिन उसके बाद से उसके चुनाव में कोई न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जहाँ जाकर खैराती उसके ऊपर बड़ी लंबी लंबी रिपोर्टें न बनाते हो। ये राजदीप सरदेसाई उसके साथ बैठ के स्कूटर में घूम रहा था, उसके साथ पूरे जनसंपर्क कर रहा था, लेकिन 15 साल में इन रिपोर्टरों को ये नहीं पता चला कि ये किस तरह से वक्फ की संपत्ति 3,000 करोड़ की संपत्ति कब्जा किए बैठा हुआ है। ये अब जाकर खुला है जब कोई वहां पर कुछ हिंदूवादी नेताओं ने उसका पता लगाया, उसको पर्दाफाश किया, अन्यथा 15 साल तक हमारा जो मीडिया है वो चुप्पी सा दे रहा कि नहीं कहीं कोई जैसे बड़ा कोई बड़ा साधु संत आदमी है और वो कितना दुष्ट और कितना दुर्जन आदमी है कि वो वक्फ की 3,000 करोड़ की संपत्ति पे काबिज है। बिल्कुल, और ऐसे ऐसे एक दो नहीं है, ये पूरे पूरा गैंग है, फौज है, बड़े बड़े कहा जा रहा है कि बड़े बड़े मौलानाओं के पास अरबों की संपत्ति है। दरअसल ये पूरी बेचैनी उसी को लेकर के है और सरकार उन्हीं के पास से छीन करके ये आम आदमी को सहूलियत देना चाहती है, बेचैनी इसी बात को लेकर के। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले ने, कहते हैं सही मायने में, एकदम से सिहरन पैदा कर दी है, इन सबके अंदर एक बड़ी सिहरन पैदा कर दी है। बिल्कुल।